लगातार हो रही एक्सीडेंट की वजह से गौवंश की मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। बजरंग दल द्वारा प्रतिदिन एक्सीडेंट में घायल गौवंशों का इलाज एवं मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन गौपालक दोहन के पश्चात गौवंशों को रोड पर ही छोड़ देते हैं, जिससे गौ माता कचरा खाकर अपना जीवन यापन करती है। साथ ही रोड पर बैठने के कारण या तो घायल होती है या मृत हो रही है। इसी विषय को लेकर आज बजरंग दल महू नगर प्रखंड द्वारा प्रदर्शन करके अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रशासन से निम्न मांगे रखी गई। प्रत्येक गौ पालकों की सूची बनाकर उन्हें चेतावनी दी जाए कि अगर रोड पर गौवंश प्राप्त हुए तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। रोड पर घूम रहे गौवंशों को गौशाला में छोड़ा जाए, साथ ही वहां से आपकी अनुमति के बिना कोई गौवंश छोड़ा नहीं जाए। घायल गौवंश के इलाज की व्यवस्था एवं मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित करे। प्रत्येक ग्राम एवं नगर इकाई में सामाजिक लोगों को साथ लेकर प्रशासन समिति बनाए, जिससे गौवंश संरक्षित हो सके। गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही उनकी सुविधाएं बेहतर की जाए। महू क्षेत्र में कई स्थानों पर गौवध हो रहा है, साथ ही गौमांस विभिन्न क्षेत्रों में विक्रय किया जा रहा है, जिस पर बजरंग दल ने कई बार प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है।